हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग। तो nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम की आज एनर्जी निकालेंगे। तो लास्ट टाइम ने किया था बोर के पोस्टुलेट्स, तो बोर के पोस्टुलेट देखने बहुत ज़रूरी हैं, उनको देख कर पहुँचें। नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो आज की हेडिंग क्या होगी, एनर्जी of nth orbit of hydrogen atom। अब थोड़ा सा हमने बोहर पोस्टुलेट में पढ़ा था कि कोई इलेक्ट्रॉन है वो स्टेशनरी ऑर्बिट नहीं मूव करेगा। तो इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका मास m होगा, उसके पास नेक्स्ट मास कितना होगा, m होगा। तो वो v वेलोसिटी से घूम रहा होगा और उस न्यूक्लियस का रेडियस कितना होगा, सपोज करो r है। तो हमने बताया था एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पर लग रहा होगा, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पर एक फोर्स और लगा रहा है जो उसको यहाँ पे रखेगा। वो फोर्स था हमारा सेंट्रिपिटल फोर्स, और दोनों फोर्स को हमने क्या किया था, इक्वल रखा था, ठीक है। ये आपका सेंट्रिपिटल फोर्स था और ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था। उसके बाद हमने दूसरे पोस्टुलेट में पढ़ा था कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा हमारा इलेक्ट्रॉन का, वो आपका होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई का। तो ये क्वेश्चन सेकंड है थी और ये फर्स्ट थी। इन दोनों का यूज करते हुए हम इस इलेक्ट्रॉन की nth ऑर्बिट, ठीक है, जो nth ऑर्बिट है हमारा हाइड्रोजन, एनर्जी है nth ऑर्बिट की हाइड्रोजन एटम के लिए, उसकी एनर्जी निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे और रेडियस निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें स्टार्ट डायरेक्टली करना कुछ नहीं करना, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। लेट अस कंसीडर दैट इलेक्ट्रॉन मूव इन स्टेशनरी न्यूक्लियस जिसका मास m है, वेलोसिटी v है आपकी, ठीक है, जिसकी वेलोसिटी v है, तो उस पर फोर्स लगता है हमारा। तो यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं, वी नो दैट, डायरेक्टली लिखना है इसमें, बोर पोस्ट में पूछेगा पहले तो उनको लिख लेना, उसके बाद वी नो दैट, ठीक है। हमने पता था जो एम वी स्क्वायर बाय आर था वो किसके कुल था, के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ठीक है। इसको क्वेश्चन फर्स्ट नहीं मानते हैं, आर से एक आर कैंसिल हो गया, एम वी स्क्वायर बाय आर किसके कुल आ गया, के जेड ई स्क्वायर, सॉरी आर से तो आर कैंसिल हो गया, तो इधर एम वी स्क्वायर बचेगा यहाँ पे आर, इसको क्वेश्चन फर्स्ट का। फिर उसके बाद हमारा जो एम वी आर यानी कि एंगुलर मोमेंटम था वो इंटीग्रल मल्टीपल था एच अपॉन टू पाई का, इसको क्वेश्चन सेकंड का। तो यहाँ से v का वैल्यू निकालना है, ठीक है, और कौन से वाली इक्वेशन में रखना है, इस फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट करना है हमें। तो फ्रॉम सेकंड पुट द वैल्यू ऑफ v इन फर्स्ट, ठीक है। तो v का वैल्यू कितना बनेगा, यहाँ से आसानी से निकाला जा सकता है, एन एच अपॉन टू पाई और एम आर इसके अपॉन में, तो एन एच अपॉन टू पाई एम आर, ओके, ठीक है। तो फर्स्ट में रखेंगे, हेंस एम बाहर, बी स्क्वायर यानी कि इस पूरे का स्क्वायर होगा, कैसे, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन फोर पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे रखेंगे जो वैल्यू इज इक्वल के जेड ई स्क्वायर बाय, और ये वाली वैल्यू हमने एज इट इज इधर लिख ली, क्लियर है बात। जो चीज़ें हमारी उड़ रही है उसको उड़ा दो, काट दो, ठीक है, कैंसिल आउट कर दो, एम की पावर कैंसिल हो रही, कर दी मैंने, आर की भी पावर कैंसिल हो रही है, ठीक है। ये इसके अपॉन में जाएगा और ये जाएगा हमारा ऊपर। तो यहाँ से देखो कैसे बनेगी टर्म, फोर पाई स्क्वायर और आर इसके साथ, तो यहाँ पे बन गया के जेड ई स्क्वायर फोर पाई स्क्वायर, एक एम भी तो बचे यहाँ पे, ठीक है, इज इक्वल एन स्क्वायर
एच स्क्वायर इंटू आर भी तो बचा है यहाँ पे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो गई एन स्क्वायर एच स्क्वायर इधर चला गया, क्लियर है बात। तो आर का वैल्यू कितना होगा यहाँ से, ठीक है, आर का वैल्यू लिखेंगे पहले, इसको नोट कर लो, आगे बढ़ेंगे फिर आर का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। इसको इधर रख लिया हमने और इसको ले गए इधर, ये वाली टर्म इकट्ठी आ गई, आर बच रहा था एक, आर भी लिख दिया इसको, क्लियर, फिर डालू, ठीक है, उसको कर लियो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आर का वैल्यू कितना होगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन फोर पाई स्क्वायर के जेड स्क्वायर, ठीक है, फोर पाई स्क्वायर हो गया, के हो गया, जेड स्क्वायर हो गया और एम हो गया, और आर का वैल्यू भी नहीं, ठीक है, ये हमारी रेडियस निकल गई nth टर्म के लिए, आर एन लिखेंगे इसको, बाकी आपका फॉर्मूला एज इट इज ही रहेगा, फोर पाई स्क्वायर के जेड स्क्वायर एम, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के लिए मास भी हमारा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, उसका चार्ज भी कांस्टेंट रहेगा, ये वाली भी हमारी क्या कांस्टेंट टर्म है, के की वैल्यू भी कांस्टेंट है हमारी 1/4πε0। एन भी हमारा जब ऑर्बिट की बात करेंगे वो चाहे अनंत ऑर्बिट हो वो भी हमारा कांस्टेंट रहेगा, या फिर हम पहले वाला ऑर्बिट ले रहे हैं तो वो भी कांस्टेंट रहेगा, पहले वाले ऑर्बिट के लिए एन भी नहीं चेंज होगा, ठीक है, दूसरे वाले के लिए भी चेंज नहीं होगा, एच प्लांक कांस्टेंट है ये भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, एन चेंज हो रहा है, पहले एक ऑर्बिट रख सकते हैं फिर दूसरा ऑर्बिट रख सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, पहला ऑर्बिट दूसरा ऑर्बिट तीसरा ऑर्बिट, क्लियर है। तो एन का वैल्यू यहाँ पे चेंज होगा, तो कह सकता हूँ बाकी टर्म तो हमारी कॉन्स्टेंट हो गई, तो इसलिए हम कह सकते हैं आर एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, यानी कि जैसे जैसे ये जैसे जैसे ये इंक्रीज होगी, क्या है ये नेचुरल नंबर है या फिर नंबर ऑफ ऑर्बिट है, यानी कि ऑर्डर ऑफ ऑर्बिट जैसे जैसे इंक्रीज होगा ऐसे ऐसे ही हमारी रेडिये, ठीक है, रेडियस हमारी बढ़ेगी, क्लियर है बात। आर का फॉर्मूला तो बन गया हमारा, ठीक है, और आर इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, यानी कि प्रोपोर्शनल आ रहा है इस नेचुरल नंबर के, यानी कि ऑर्डर ऑफ ऑर्बिट के, क्लियर है बात। हम आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, चलो बाकी हटा दें यहाँ से, इसको भी हटा दें, ठीक है, आगे वैल्यू की मुझे जरूरत पड़ेगी अभी बाद तक पड़ेगी, उसके लिए इसको लिख कर रखते हैं। सेकेंड इक्वेशन हमारी बन गई, तो थर्ड इक्वेशन मान लो, ठीक है, तो अब आर का वैल्यू इस थर्ड इक्वेशन में रखना है, ठीक है, तो आर का वैल्यू भी इधर लिख लो, आर इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन फोर पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर, ठीक है, चलो आर का वैल्यू इसमें लिख दो, आर का वैल्यू रख दो इसमें, फिर हमें क्या मिल जाएगा जी, वेलोसिटी भी मिल जाएगी, तो पुट द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन कौन से वाली, सॉरी थर्ड में, ठीक है, इक्वेशन थर्ड, तो बी इज इक्वल टू एल एच अपॉन टू पाई एम, ठीक है, आर यहां से 1/r है, अगर 1/r की बात करें, 1/r है यहाँ पे, ठीक है, 1/r की वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो ये हमारा 4π स्क्वायर के सेड ई स्क्वायर एम अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो रख दो 1/r स्क्वायर की, 1/r की वैल्यू सॉरी के सेड ई स्क्वायर एम अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है, एम से एम कैंसिल आउट, 2π से ये 2π बच जाएगा हमारे यहाँ पे, और एनएच से वेलोसिटी वी का वैल्यू कितना आया,
टू पाई बच रहा है वहां पे के जेड ई स्क्वायर बाय एन एच, ठीक है। फिर से वही बात होगी, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर ही हमारा चेंज होगा, बाकी टर्म हमारी कॉन्स्टेंट होगी। तो इसलिए कह सकता हूँ जो वी एन एथ ऑर्बिट की वेलोसिटी आई वो हमारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी वन बाई एन की, ठीक है। जैसे जैसे एन इंक्रीज होगा ये डिक्रीज होगी, और ये डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगा, यानी कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी ऑर्डर ऑफ ऑर्बिट की। यानी कि ये अगर इंक्रीज हो रहा है तो ये हमारा डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। ये किसका आ गया, वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया, नोट कर इसको यहाँ तक आप लोग। ठीक है, अब बढ़ते हैं एनर्जी की तरफ। तो एनर्जी क्या होता है, किसी पार्टिकल के पास पोटेंशियल एनर्जी हमारी चल रही होती, पोटेंशियल एनर्जी के कारण वो मूव होता रहता है, और मूव होते होते उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो सम हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, दोनों का प्लस करके हम एनर्जी निकाल लेंगे, ठीक है। इसको हटा दे, चलिए जरूरत नहीं है, नहीं पड़ेगी। अब हमें आर की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, एनर्जी। तो एनर्जी का सिंबल हम ई से भी करते हैं और टी से भी दिखाते हैं उसको, ठीक है। ई से भी दिखाते हैं, टी से भी, इज प्लस ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो हियर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सबको पता है, मास m हो किसी पार्टिकल का, वेलोसिटी v हो तो एम वी स्क्वायर। अब हम बताए सिंस एम वी स्क्वायर लास्ट टाइम किसके इक्वल होता है, यहीं पर जेड ई स्क्वायर बाय r, सो काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 1 बाय 2 एम वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, के जेड ई स्क्वायर बाय, ठीक। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, हमने कई बार पढ़ी है, कोई पार्टिकल चल रहा है इन्फिनिटी से और आर डिस्टेंस पर आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा कोई न्यूक्लियस, ठीक है। तो इन्फिनिटी टू ए डिस्टेंस आर, ठीक है, टू अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है, फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो इसमें जितना भी वर्क डन हम करेंगे, ब्रिंकिंग वर्क डन, ठीक है, वही हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा देख लो एक बार, यहाँ से याद करो, द पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय वर्क डन इन ब्रिंगिंग, ठीक है, ब्रिंगिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, और चार्ज माइनस की, ठीक है, इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी टू अ डिस्टेंस, डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ, ठीक है, चार्ज या फिर न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ चार्ज, ठीक है, न्यूक्लियस पर चार्ज कितना होता है, जेड ई होता है, ठीक है, ये पता है, विच इज गिवन बाय, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, इन्फिनिटी टू आर तक जाएगी, क्लियर है। अच्छा जी काइनेटिक एनर्जी को भी लिख लो यहाँ पे थोड़ा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना है, 1 बाय 2 जेड ई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर बाय आर, इसको सही से लिखते हैं उसकी हमें जरूरत पड़ेगी, क्लियर है बात। 1 बाय 2 के जेड ई स्क्वायर बाय आर होता है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे यहाँ, इसका टोटल कर देंगे हम, ठीक है।
स्पेस कम है इसलिए भाई बार बार इसको रफ करके काम चलाना पड़ेगा। नोट्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, समझ में आनी चाहिए। और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आई डिजाइन के लिए भी और ये 10 नंबर भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में रिपीट होने वाला है। चलिए तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी यहाँ से इन्फिनिटी टू आर, क्लियर है बात, कितनी होगी इन्फिनिटी टू आर, ठीक है इन्फिनिटी टू आर। तो हमने क्या किया भाई, न्यूक्लियस का जो चार्ज जेड ही है, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है हमारी वो वर्क डन होगी ब्रिंगिंग ए इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है हमारा ब्रिंगिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज, इसका चार्ज हमारा माइनस ही है इन्फिनिटी टू अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ चार्ज जेड, न्यूक्लियस का चार्ज कितना है जेड ही, तो इन्फिनिटी टू आर चलेंगे तो कितना हो जाएगा भाई के जेड ई इंटू आर स्क्वायर का डी आर। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इस के जेड ई स्क्वायर बाहर इन्फिनिटी टू आर वन अपॉन आर स्क्वायर, वन अपॉन आर कितना हो जाएगा माइनस के वन अपॉन टू आर, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई के सेड ई स्क्वायर अपॉन माइनस का टू आर, ठीक है भाई वन बाय आर, आर की पावर माइनस टू कर लो चाहे तो डी आर इंटीग्रल सबको करना आता है, लिमिट्स इन्फिनिटी रखेंगे आर रखेंगे, आर रखने पर ही हमें कुछ मिलेगा, ठीक है। चलिए जी इसलिए जो एनर्जी ई था हमारा वो था काइनेटिक एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, जो भी लिखा आपने पोटेंशियल एनर्जी पहले भी लिख सकते, बस एक ही बात है दोनों को जोड़ करना है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई टू आर प्लस वन बाई टू के जेड ई स्क्वायर बाई आर, अच्छा वन बाई आर स्क्वायर का जो है ये वो इंटीग्रल कितना होगा माइनस के जेड स्क्वायर बाई आर ही होगा, ठीक है ये गड़बड़ी हम कर रहे थे इसमें, ठीक है वन बाई आर स्क्वायर का जो डी आर होता है वो वन बाई आर है, तो आर की पावर माइनस टू प्लस वन माइनस टू प्लस वन, तो ये तो होगा आर माइनस टू प्लस वन माइनस टू प्लस वन, यहाँ से एक माइनस बचा तो वन अपॉन आर लिखेंगे इसको भाई, आर की पावर माइनस वन बच गया ये माइनस वन, तो माइनस वन अपॉन आर बच गया, ठीक है गड़बड़ी कर रहे थे हम लोग, खैर जल्दी सही हो गई नहीं तो फिर इफेक्ट पड़ जाता है, ठीक है तो माइनस के सेड ई स्क्वायर बाय आर होगी हमारी पोटेंशियल। चलिए आगे बढ़ते, ठीक है चलिए जी पोटेंशियल एनर्जी कितना है सॉरी टोटल एनर्जी ई कितना है हमारा माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर प्लस के जेड ई स्क्वायर बाय टू आर, ठीक है टू को इधर लेके जाएंगे एलसीएम भी तो लेना पड़ेगा, और माइनस टू के जेड ई स्क्वायर प्लस के जेड ई स्क्वायर बाय आर टू आर, ठीक है माइनस के टू के सेड ई, तो एक माइनस का बच जाएगा ना माइनस का के सेड ई स्क्वायर बाय टू आर, आर का वैल्यू हमें पता है कितना है ये रहा भाई साहब उसको रखेंगे आप, ठीक है आर का वैल्यू कितना है ये, तो इसका फिर से अपोजिट हो जाएगा, ठीक है तो ऊपर ये वाली टर्म आएगी नीचे ये आ जाएगी, ठीक है पहले इसको नोट करो मिटा देता हूँ, ठीक है हटा लो नोट्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में वहाँ से कर लेना बस समझ में आना चाहिए, ठीक है और कोई भी टॉपिक हो कमेंट करें। चलिए तो एनर्जी ई को लिख लेता हूँ लास्ट कितनी बची माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर विद माइनस, ठीक है हटाने इसको टू आर है भाई ये टू आर, ठीक है बार बार मिस्टेक मत कर लो
चर्च पुट द वैल्यू ऑफ आर इन दिस इक्वेशन. ठीक है, इस इक्वेशन में आर का वैल्यू पुट करना है तो ई इज इक्वल टू अब इज के पहले कर लो जेड ई स्क्वायर माइनस टू वन अपॉन आर की वैल्यू रखनी है. तो यहाँ से वन अपॉन आर मैंने बताया था कितना बनेगा फोर पाई स्क्वायर के जेड स्क्वायर एम अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन ऑफ फोर पाई स्क्वायर के फोर पाई स्क्वायर के जेड स्क्वायर एम अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर. ठीक है, छोटा तो नहीं फोर पाई स्क्वायर के जेड स्क्वायर एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर. ठीक है, अब इसको भी तो ये उड़ गया e की पावर फोर हो गया जेड स्क्वायर हो गया के स्क्वायर हो गया. तो लेकिन इसको रखो टू पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर. ठीक है, जेड स्क्वायर हो गया e की पावर फोर हो गया m हो गया फोर में एन स्क्वायर और आपका एच स्क्वायर. ठीक है, इसको एच स्क्वायर में समझ लेना ये एन है. ठीक है, विद माइनस साइन ये आ गई एनर्जी. इसको बार चेक कर लेता हूँ दिख रहा है कि नहीं. ठीक है, दिख रहा है भाई साहब फर्स्ट क्लास दिख रहा है. ठीक है, तो एनर्जी आ गई हमारी नेगेटिव साइन में. अच्छा, ये एन एन ऑर्बिट के लिए है. दिस इज द एनर्जी या फिर एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन एन ऑर्बिट ऑफ एच एटम. ठीक है, एन एथ ऑर्बिट है एच एटम के लिए हाइड्रोजन एटम के लिए. ठीक है, तो अब अगर हम एन इज इक्वल टू वन रखें यानी कि जेड इज इक्वल टू वन पर. ठीक है, और जेड इज इक्वल टू वन पर. ठीक है, जेड इक्वल टू वन पे और के का वैल्यू भी रखें ई का वैल्यू रखें एम का रखें भाई सब का वैल्यू पता है एच का वैल्यू रखें. तो यहाँ पे जो एनर्जी ई आएगी एक फॉर्मूला बनेगा जिसको आपको रटना ही है ये कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी. ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम के लिए जेड कितना रहेगा फोर हाइड्रोजन एटम एच एटम के लिए जेड हमारा कितना होता है एटॉमिक नंबर वन होता है. ठीक है, तो ये फॉर्मूला आया हमारा एन एच ऑर्बिट के लिए एनर्जी का. वेलोसिटी वी का याद रखना है रेडियस आर का याद रखना है. तो उन्हीं का वो क्वेश्चन पूछ रहा है चलिए माइनस साइन क्या दिखा रहा है यहाँ पे भाई हमने क्या किया ये वैल्यू कहाँ से मिली हमें टू पाई का वैल्यू पता है 3.14 के का वैल्यू पता है 1/4 जेड वन होता है हाइड्रोजन एटम के लिए ई का वैल्यू पता है 4 इलेक्ट्रॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एच प्लान कॉन्स्टेंट. ठीक है, स्क्वायर हमारा एच चुना है तो 3.6 बाई माइनस स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है उसको बताएंगे या नहीं. ठीक है, तो इसको मत करो. तो यहाँ पर जो माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है हमारा शो कर रहा है कि ये हमारा बाउंड होगा इससे किससे निकले से ये स्केप नहीं करेगा कौन इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पे स्केप नहीं करेगा किससे एटम से. ठीक है, यानी कि जो एनर्जी हम एनर्जी है रिक्वायर्ड है इसे टेक अवे ले जाएंगे. ठीक है, तो नेगेटिव साइन जो एनर्जी का है वो शो कर रहा है हमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड है हमें. ठीक है, वो टेक अवे इलेक्ट्रॉन को टेक अवे करेगी इससे न्यूक्लियस से यानी कि ये यहाँ से इसके नहीं होगा ये इसको बाउंड करके ही रखेगा. ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन होंगे भैया फिर इस पर बचती हमारी लायन सीरीज. ठीक है, आपकी पास्टन सीरीज वो भी इसी पे बेस्ड है तो उसको देखें हम लोग ध्यान से. ठीक है, कमेंट करें. Thank you.